कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? आपने वो वीडियो देख लिया? शायद आईपीसी के वो सेक्शन याद हो गया होगा। स्टूडेंट के डिमांड के अनुसार से हमने ये वीडियो फिर दोबारा लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट कह रहे थे कि सर याद हो गया, वो सेक्शन याद हो गया। ऐसा ही कोई ट्रिक और लेकर आइए, मैं बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा और ये क्रम चलता रहे। तो सोचते हैं कौन सी सेक्शन को हम ले। ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे ट्रिक है, मेरा याद करने का तरीका थोड़ा सा निराला है। मैं लिंक करके जोड़ता हूं। ठीक है, मैं लिंक करके जोड़ता हूं। तो चलो हम एक सेक्शन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, सभी लोग जानते हैं, सेक्शन 494। आप याद रखिएगा, 494 या 494 याद मत करना, 494 याद करना, 494। ठीक है, 494 मतलब द्विविवाह बाय जेमी, यानी कि पति पत्नी के जीवित रहते हुए भी शादी कर लेना। अब एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। ए नाम का एक लड़का है, उनके पहले से एक पत्नी है, जीवित है, उनके साथ में रहती है। उसके बावजूद भी एक रहीस घर की लड़की, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, पसंद आ गया, और लड़की को भी लड़का पसंद आ गया, और उनको लगा कि ये तो जॉब वाला है, इनके पास में बहुत सारे पैसा है, चलो इसको लूटा जाए। ठीक है, वो लड़की भी देखिएगा, यह स्वेच्छा से, वो लड़की भी जान रही है कि ये शादीशुदा आदमी है, और वो लड़का भी कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूं भाई, उसके बावजूद भी आप यदि लव करते हो तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, अब शादी हो गया तो लड़की के दिमाग में तो ये भरा हुआ है ना, या लड़का के दिमाग में ये भरा हुआ है कि मुझे पता है कि ये बहुत ही धनी लड़की है। लेकिन भैया, वो जो पत्नी है ना, पहले से जो पत्नी है, उसको हर्ट होगा या नहीं होगा? लूटने के लिए हर्ट करना और जानबूझकर, यानी कि 394, 100 माइनस कर दो, 394, लूट करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से उपहति करना, यानी कि हर्ट करना। हर्ट शब्द आया कि नहीं? वो पहले पत्नी को हर्ट हुआ, ये वाला हर्ट और वो वाला हर्ट अलग चीज है। ठीक है, तो लेकिन हमको जो है एक लिंक जोड़ना है, हर्ट हुआ और एक लड़की लड़का को लूटना चाहता है, जानबूझकर लूटना चाहता है, यही तो है 394 है। और मान लीजिए इसी उद्देश्य से विवाह कर लिया हो, तो आप समझिएगा, जब उसको जो है घर लाया जाएगा, जो दूसरी पत्नी को जब घर लाया जाएगा, तो क्या होगा? कलह पैदा हो जाएगा ना, कलह पैदा होगा, गाली गलौज, माँ बहन का गाली होगा, बाप रे, अश्लील अश्लील वार्तालाप हो जाएगा वो घर जो है, अश्लील वार्तालाप। ठीक है, दोनों पत्नी लड़ेंगे, जब पति नहीं होगा ना, तो दोनों पत्नी आपस में लड़ेंगे, माँ बहन का गाली होगा, पता नहीं मैं यहां पर बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा ऐसा गंदा गाली होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? 294 में दिया हुआ है, 294 में दिया हुआ है। दिया हुआ या नहीं बताइए, आप लोग जो है अपना किताब देख लीजिए और फिर मुझे बताइए दिया है या नहीं, 294। फिर जब पति आएंगे भाई, और एक पत्नी, नया पत्नी पर्टिकुलर जो है, पुराने पत्नी के विरुद्ध में मिथ्या साक्ष्य देंगे, कहेगा आज मुझे बहुत मारे, बहुत गाली गलौज किए हैं, शायद ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मार डालेगी। मिथ्या साक्ष्य करना, और वो भी क्या, मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से, मतलब ऐसा दंड जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा से संबंधित, मृत्यु दंड से संबंधित हो, मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य देना जिससे उसको मृत्यु दंड की सजा मिल जाए। अरे भाई, ऐसे आरोप लगाएगा तो पहले वाली जो पत्नी है वो तो जिंदा जिंदा मर जाएगी ना, जिंदा नहीं मर जाएगी, ऐसे आरोप लगाएगी तो ऐसे ही
गलत साक्ष्य देगी तो मिथ्या साक्ष्य देगी तू। तो ये 194 में दिया हुआ है, 194 में। फिर इसको रिवीजन करेंगे, चिंता मत करो। अब उसके बाद में क्या होगा? ठीक है, पति को आएगा गुस्सा, पति को नहीं आएगा गुस्सा, पहली पत्नी से कहीं ना कहीं से जो है नई पत्नी होगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर झुकाव होगा, तो पुरानी पत्नी को जाकर धमकी देगा, धमकी देना। ठीक है, यहां पर क्या काहे के लिए धमकी देगा कि मुझे तलाक थी तू, उस कार्य को करने या नहीं करने के लिए धमकियों से विवश करना, उस कार्य को मत करो भाई, ऐसा मत करो। आप पहले पत्नी को जो है धमकी देगा, विवश कर देगा कि ये कार्य को करो, आप चले जाओ मेरे जिंदगी से, चले जाओ। ठीक है, आप मुझे तलाक दे दो, आप मायके चले जाओ। उस कार्य को करने के लिए धमकी देना और उसको विवश करना, धमकी देकर विवश करना, ये 94 में दिया हुआ है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा। 494 यानी कि जीवित पति या पत्नी के रहते हुए दोबारा विवाह कर लेना। और याद रखिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है लूटने का, लूटने का उद्देश्य होता है। ठीक है, लूट करेगा और उसके लिए वो हर्ट होगा, पहली पत्नी जो है हर्ट हो जाएगा, हर्ट होगा या नहीं होगा? होगा। और तो वो किस में दिया हुआ है? 394 में दिया हुआ है, 394 में दिया हुआ है। लूट करने के लिए स्वेच्छा से उपहति करना या हट करना, और फिर जब दोनों पत्नी साथ में रहेंगे घर में तो कला पैदा होगा, गाली गलौज चालू होगा, गंदा गंदा गाली का चालू होगा। तो 294 में दिया हुआ है, दिया है ना 294 में। और फिर नए पत्नी पुराने पत्नी के विरुद्ध में मिथ्या साक्ष्य देगा ताकि ताकि वो जो है घर से चला जाए, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए भाई। यानी कि आपका मतलब यह है कि ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना जिससे उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिल जाए, ये दिया हुआ है 194 में। और 94 में क्या होगा? पति ने पहले पत्नी को ऐसा धमकी देगा ताकि वो जो है घर छोड़कर चला जाए, ऐसा कार्य करना, ऐसा कार्य करने के लिए धमकियों द्वारा विवश करना, ये 94 में दिया हुआ है। शायद मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, यदि याद नहीं हुआ है तो दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए मैं विदाई लेता हूं, थैंक यू, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट्स लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितना ज्यादा व्यू आएगा मैं वैसे ही आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं शॉर्टकट वीडियो लेकर आऊंगा और आपको मैं आज ही याद करा दूंगा। आपको याद हुआ ना? याद हुआ? यदि याद हुआ है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।